सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको बेल पत्र के फायदे के बारे में, और इसके फायदे के साथ साथ कोई नुकसान भी है क्या, तो उस बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो देखिए, बेल पत्र के बारे में आपने सुना होगा, भगवान शंकर जी को चढ़ाते हैं और ये जो है काफ़ी गुणों से भरपूर होता है बेलपत्र। जैसे कि इसमें विटामिन ए मिल जाता है, विटामिन B1 मिल जाता है, विटामिन B12 मिलता है, विटामिन सी मिलता है, कैल्शियम मिलता है, पोटेशियम मिलता है, आयरन मिलता है, ये सब जो है भरपूर मात्रा में है बेलपत्र में। तो पहले के लोग जो है काफ़ी यूज़ करते थे इसको फिट रहने के लिए, और कोई जो एलोपैथी मेडिसिन है पहले लोग इतना नहीं लेते थे, केवल जो नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वही लेकर जो है ठीक हो जाते थे या बोल दूं मैं फिट रहते थे। तो चलिए इसके फायदे के बारे में हम बात करते हैं। तो बेल पत्र के अगर आप 5 पत्ते लेते हो, केवल 5 पत्ते, और उनको पीसने के बाद जो है आप उसको पानी में अच्छी तरीके से उबाल लीजिए और वो पानी जो है आप पी लीजिए। अगर वो पानी आप पी लोगे तो आपको बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं उनसे आप बच जाओगे। जैसे कि आपको अगर हाई बीपी रहता है और इसके अलावा आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है और इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड होता है, तो कोलेस्ट्रॉल में जो LDL होता है जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो कि हमारे हार्ट के लिए काफ़ी बेकार होता है, तो उसको ये कम करता है। और जो डायबिटिक पेशेंट हैं जिनका ब्लड शुगर काफ़ी हाई होता है तो उसको भी नॉर्मल कर देगा अगर आप इस प्रकार से डेली 1 गिलास पानी पियोगे बेल पत्र का, जैसे कि मैंने बताया आपको। इसके अलावा अगर आप पानी नहीं पीते हो तो इसको चबाकर भी खा सकते हो, और इसके अलावा अगर आप ऐसे भी नहीं लेना चाहते हो, आपसे खाते नहीं बनता है, आपको काफ़ी इसका टेस्ट बेकार लगता है, तो आप कुछ पत्तियां जो है रात में जो है इसको भिगो कर रख लीजिए और सुबह उठकर वही पानी पी लीजिए। अगर आप वो पानी भी पीते हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि जॉइंटिस हो जाता है कई लोगों को, बार बार जॉइंटिस होता है, पीलिया होता है, TB है किसी को अगर, अल्सर होता है, या डाइजेस्टिव सिस्टम बेकार होता है, तो वो भी जो है ठीक हो जाएगा अगर आप सुबह जो है बेल पत्र का पानी पीते हो तो। इसके अलावा जो कोलेरा जो बीमारी होती है जिसको हैजा कहते हैं, तो उससे भी जो है आप काफ़ी हद तक दूर रहोगे। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, और कई लोगों को देखा गया है कि काफ़ी कॉन्स्टिपेशन होता है, गैस की समस्या होती है, तो ये बेल पत्र का पानी पीजिए आप तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और दस्त भी कई लोगों को बार बार लगते हैं, दस्त की परेशानी होती, तो उससे भी आप बच जाओगे, और अगर पाइल्स है तो उसमें भी काफ़ी आराम देगा, और रेस्पिरेटरी कोई इन्फेक्शन है तो उसमें भी काफ़ी आराम मिलता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन में काफ़ी अच्छा होता है बेलपत्र। इसके अलावा आप कैंसर से भी बच सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसे गुण हैं जो कि हमको कैंसर से बचाता है, और अगर किसी को सेक्सुअल डिसफंक्शन है तो उसमें भी काफ़ी काम करता है, और बाकी किसी को स्वेलिंग वगैरह आ जाती है बॉडी में या गले में इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस प्रकार से इसके काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं बेलपत्र के। तो आज ही से जो है आप बेल पत्र का सेवन चालू कर दीजिए। आप कैसे भी खाएं, चाहे चबाकर खाएं या इसकी पत्तियों को जो उबाल कर इसका पानी पिए, आप इसका सेवन चालू कर दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और या फिर इसका जो फ्रूट होता है, बेल का फ्रूट होता है, उसका जूस भी पी सकते हो। मतलब बेल ओवरऑल अगर हम बेल की बात करें तो काफ़ी फायदेमंद होता है हमारी सेहत के लिए। अब भाई इसके साइड इफेक्ट भी कुछ हो सकते हैं क्या? तो देखिए, इसके साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपका शुगर जो है पहले से लो रहता है या फिर आपकी BP लो रहती है, हाई BP वाले बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका शुगर लेवल डाउन रहता है और ब्लड प्रेशर भी लो होता है तो उस कंडीशन में इसको ना लें, क्योंकि ये जो है आपके शुगर को कम कर सकता है और BP को भी और लो कर सकता है। बाकी इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, पेट में दिक्कत लगने लगती है इसको लेने के बाद, तो हो सकता है कि भाई आपको बेलपत्र जो है सूट नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप बेलपत्र मत लीजिए। अब हम बात करें इसको कब तक लेना है, तो देखिए इसको आप जो है बहुत लंबे समय तक भी ले सकते हो, क्योंकि ये नेचुरल है। जैसे हम भाई खाना खाते हैं उस प्रकार से बेलपत्र होता है, लेकिन तब भी अगर आपकी समस्या ठीक हो जाती है तो आप इसको लेना बंद कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपकी कोई भी मेडिसिन चल रही है तो उसको भी साथ साथ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा बेलपत्र के कितने सारे फायदे हैं। तो दोस्तों, आज ही से जो है बेलपत्र का सेवन चालू कर दीजिए, और इसकी पत्तियां कहीं पर भी मिल जाएंगी। तो इधर मेरा वीडियो खत्म होता है, लेकिन इस प्रकार से अगर आपको और भी वीडियो देखना नॉलेजेबल, या आपको बेलपत्र को लेकर अभी भी कोई डाउट है, तो आप कमेंट द्वारा मुझे पूछ सकते हो। और इस टाइप से अगर आपको और भी वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि इस टाइप से बहुत सारे ऐसे वीडियो लेके आऊंगा जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद रहेंगे, और बिना मेडिसिन के जो है आपकी हेल्थ को कैसे फिट रखा जाए वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप बने रहिए और देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर केयर।